अब हमने अभी तक जो है आपको नक्षत्र की विशेषता बताई थी, नक्षत्रों की क्या क्वालिटीज है, नक्षत्र किस तरह से वर्क करते हैं। अब हम आपको थोड़ा सा, क्योंकि आगे टॉपिक पढ़ने से पहले आपको ग्रहों की विशेषता भी पता होनी चाहिए, जिस तरह से 27 नक्षत्रों की विशेषता है उसी प्रकार ग्रहों की भी अपनी अपनी विशेषता है। तो टोटल हमारे पास कितने ग्रह हैं? 9 प्लैनेट्स हैं। ये इसलिए जरूरी है थोड़ा सा बताना क्योंकि ज्योतिष के अंदर बहुत एक्सटेंड विषय है, बहुत बड़ा विषय है कि ग्रहों को कैसे कैसे हम बार बार यूज कर लेते हैं, कहीं एनर्जी में बोल देते हैं, कभी सोर्स में बोल देते हैं। 9 प्लैनेट्स ही उनके अंदर बहुत जबरदस्त अपने आप में काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सूर्य के बारे में बताता हूँ। ग्रहों की विशेषताओं में सबसे पहला टॉपिक है सूर्य। सूर्य कैसा है, क्या क्वालिटीज है, उनके अंदर क्या चीजें हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, इस पृथ्वी पर हमारा जो ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत कौन है? सूर्य है। आप जितनी भी वनस्पति, मनुष्य, जीव जंतु, कोई भी ऊर्जा ले रहा है वो सूर्य से ले रहा है। तो हमें अगर अपनी कुंडली के अंदर ये देखना है, अब प्रैक्टिकल बोलूंगा मैं यहाँ, और इनको अपने जीवन में आकर यही उसमें काम आएगा, फल ज्योतिष। अगर व्यक्ति के अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता, बार बार बीमार रहता हो, मनोबल डाउन हो, हर टाइम गिरी लज्जा वाली बातें करता हो, शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो, उसकी किसकी कमी कहलाई? सूर्य कमजोर कहलाता है। उसके अंदर सोच, हर टाइम हिम्मत, हरी हरी बातें करता हो, समझ लेना इसके आप व्यक्ति से 10 मिनट बात करके उसे समझ के ये बता सकते हो बिना कुंडली देखे कि इसका ये प्लेनेट डाउन है। ठीक, तो सबसे बड़ा लॉजिक क्या हुआ? सूर्य क्या हुआ? ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। क्या है दूसरा पॉइंट? क्या है हमारी आत्मा है, ठीक, सोल है, ठीक, आत्मबल। आत्मबल किसे कहते हैं? लड़ाई झगड़े वाला बल नहीं चाहिए, वो आत्मबल क्या चीज है? आत्मबल वो चीज है जो दूसरे को पावर दे सके। आप अपने आत्मबल से सामने वाले के गिरे हुए जीवन को ऊर्जावान बना सको, उसे नया मोटिवेशन दे सको। लठ, गोली, बारूद उड़ाना, ये सब वो आत्मबल है। आत्मबल का मतलब है अपने ज्ञान से, अपने आत्मज्ञान से, आत्मचिंतन, मतलब जो सोल है उस सोल से आपने जो प्राप्ति करी है, आपने अपने जीवन में क्या क्या उससे सीखा है, उस सोल के आत्मबल से सामने वाले के जीवन को बदलना आत्मबल कहलाता है। और ये बता दूं आपको, बहुत लंबा विषय है, आप अपने जीवन में आपको अच्छी चीज देखने के लिए कह रहे हो, पर मन नहीं लग रहा, तो मन लगाने के लिए फिल्म देखने जा रहे हो, अच्छी चीज सुनने के लिए गाने सुनते हो, बाल सही करने के लिए अच्छे से बनवाते हो, कटवाते हो, दाई पाई लगाते हो, अच्छा पेट भरने के लिए अच्छा खाते हो, पूरी की पूरी 5 कर्मेंद्रिय और 5 जनेंद्रिय, 10 के 10 के लिए आप काम करते हो, नहीं करते, असली काम नहीं करते आप, हमेशा ये सब कुछ पैसा कमाने के बाद, नौकरी करने के बाद फिर भी क्या कहते हो? यार मेरा मन नहीं लग रहा, मैं यही ठीक हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नया करना चाहिए। तो इस तरह की बात कर रहा हो ना, समझ, या इस तरह की बात नहीं कर रहा हो, समझ लेना वो एक असली कंपोनेंट जो है हमारी बॉडी में, वो है सोल। आत्मा को खाने के लिए आपने आज तक कुछ नहीं दिया है, कभी दिया किसी ने सोचा है? और जिसकी आत्मा कमजोर है, आत्मा के लिए उसने कभी सोचा ही नहीं है, वो व्यक्ति जीवन में सिर्फ इनके लिए लड़ता रहेगा, वो इस संसार में ही मिल जाएगा, कुछ नहीं हो सकता जीवन में। इसलिए ज्योतिष से भी बड़ा विषय है अपनी आत्मबल को उठाने के लिए सोल को खाना पीना दो। अब सोल कैसे खाना पीना खाएगी भाई? ये तो चलो सूंघने के लिए ये बना है भगवान ने, वो बुद्धि इसलिए दिया भगवान ने कि मैं 10 चीज तो मैंने दे दी तुझे, एक चीज छोड़ रहा हूं तेरे लिए, तो उसे दे दे खाना पीना कैसे देगा? अब तेरी सोच पर डिपेंड करता है। अब सोच कैसे देते हैं? जो आप अपने, अब ये देखो, ये आत्मबल, ये आत्मा, ये सोल, ये किसका कंपोनेंट है? अभी ज्योतिष में आ गए, ज्योतिष बोल छोड़ दिया है, ये किसका कंपोनेंट है? ये परमात्मा का कंपोनेंट है, ये परमात्मा में मिल जाएगा। अगर ये कंपोनेंट परमात्मा का है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यार तुम भी परमात्मा से कम नहीं हो, तुम भी चमत्कार, तुम भी सब कुछ कर सकते हो, पर अपने आप को पहचान नहीं पाए। अगर आप अपने आप को पहचान लोगे ना, इसको आत्मा को जागृत कर लोगे, तो आप वास्तव में पुलेंट हो जाओगे। पर उसको जागृत करना आम इंसान के लिए हटन ये कठिन लगता है। अब उस समय थोड़ा शॉर्ट में बता दूं, उसको खाना पीना कैसे देते हैं? चैंटिंग करना, जप करना, इसका खाना पीना है, जाप करना। और किस चीज का जाप करना? वो तुम्हारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है कि तुम्हें कौन सा भगवान, कौन सी चीज अच्छी लगती है, या अगर आप बहुत ज्यादा ऊपर उठना चाहते हो उस लेवल पे एक साथ ही बदल, तो महामंत्र का जाप करें।
तो आपके सोल और ये सब कुछ उस लेवल पे हो जाएगी कि आपके ये जोड़ते जोड़ते उसको आप बंद करके बता दो ये वो कब हुआ है। महामंत्र महामंत्र नहीं महामंत्र का मतलब हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 ये महामंत्र। इस महामंत्र से होता क्या है, ये मन महामंत्र सबसे पहले जैसे पृथ्वी में आप को बीज डालते हो तो वो अपने आप उगाता है, तो महामंत्र है क्या, महामंत्र है पृथ्वी और जो आप जब कर रहे हो वो बीज है, वो बीज अपने आप जन्म लेगा और फिर अपने आप डायरेक्शन लेगा कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, मतलब आपको अपने आप अंदर से ना सॉफ्ट कर देगा ये बिल्कुल ऐसा कि आपको हर टाइम दयनीय है आप बहुत मतलब हर चीज में कितना मतलब शांत प्रिय हो जाओगे, आपको रास्ता मिलने लगेगा कि मुझे जाना कहां है दुनिया मुझे करना क्या, सब कुछ ऑटोमेटिकली ये महामंत्र के अंदर पावर है। और ये बता दूं महामंत्र से ही भक्ति की उत्पत्ति हुई है एक बार। दूसरा अब अपने एस्ट्रोलॉजी पालन, ये जो सूर्य है ये किस किस चीज का कारण है एस्ट्रोलॉजी में, पिता का कारण है, जो भी सर्वश्रेष्ठ चीजें हैं वो सब सूर्य है, जैसे धातुओं में सोना सर्वश्रेष्ठ है, मानवों में पिता सर्वश्रेष्ठ ठीक, और किस किस चीज का कारण है बताओ, राजा का कारण है, मान सम्मान हमें मिलेगा कितना मिलेगा नहीं मिलेगा समाज में है, और जो है जो भी हाईएस्ट पोजीशंस है हेडिंग हर चीज में हेड करना मॉनिटरिंग करना वो सब सूर्य है। तो सूर्य से आप ये देख सकते हो कि कॉन्फिडेंस कैसा है, ये व्यक्ति क्या है, तो आंखों की दृष्टि भी सूर्य है, जो आई कैपेसिटी होगी आपकी ये भी सूर्य है ठीक, देखना रोशनी भी सूर्य है। और ये काम किससे होता है, जब 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 वो सूर्य गलत शत्रु राशि में बैठेगा, शत्रु ग्रहों के साथ बैठे तो कमजोर, सूर्य और शुक्र आपस में शत्रु है ठीक है, यदि सूर्य आप एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, यदि सूर्य शुक्र के साथ बैठा हो तो जो चीज अभी सूर्य के बारे में वो शक्ति कमजोर हो जाएंगे, यदि सूर्य शुक्र की राशि में बैठा हो तो भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगला है चंद्रमा, चंद्रमा मन का कारण है, चंचल प्रवृत्ति है ठीक है, चंद्रमा सासू माँ का कारक है, माँ का कारक है ठीक, और जितना भी हमारा जल विभाग है जल तत्व उन सबका कौन है, चंद्रमा, जितने भी ठंडी चीजें हैं उन सबका कारक चंद्रमा है। और दूसरा मोती का कारक है, चांदी का कारक है, और सबसे ज्यादा जो मेन आपको जीवन में यूज कर जितनी भी लिक्विड चीज आप यूज करते हो सफेद वस्तुओं का कारक है, ये सब चंद्रमा सफेद वस्तु है। एक चीज ये चांदी का कारक है, चांदी में धातु धातु हमें ढूंढ रहे हैं हम सब चीजों में ढूंढ रहे हैं, पृथ्वी में जो जो चीज है जल ले लिया धातु ले ली इंसान ले लिया लिक्विडिटी ले ली कलर ले लिए उन सब में से कौन किस चीज के कारक है वो ढूंढ ढूंढ के लेके आ रहे हैं। चांदी धातु होती है उसमें जो चंद्रमा कारक होता है, पीली धातु सोने का चंद्र सूर्य होता है शीतलता प्रदान करता है। अगला कौन है मंगल, मंगल किस चीज का कारक है, सेनापति साहस पराक्रम पुलिस फौज बाउंसर्स जहां भी लड़ाई झगड़ रही है सब सेनापति शक्ति शक्ति प्रदर्शन वेरी गुड। और बताओ एक और चीज बताऊ आज आपको बड़ी मोटी बात, जो लोग कृषि करते हैं ना कृषि कृषि का कारण भी मंगल होता है चंद्रमा भी होता है। अभी जैसे मान लो कोई सफेद फूल उगा तो वो चंद्रमा में जाएगा, बागवानी करना चाहे तो वो उसमें जाएगा, अलग अलग है। मैं कृषि क्यों बोल रहा हूँ, आप किसान अपनी ताकत से ताकत ही तो होती है हल जोतना खेत जोतना, अपने बल पूर्वक पृथ्वी को उर्वरक बना देता है तो ताकत यूज हुई उर्वरक बनाने में तो वो मंगल में आती है, वो कृषि बाड़ी देखने की तो माइनिंग भी आएगी, माइनिंग तो आती है वो तो है ही, ब्लास्टिंग करना माइनिंग भी सब वो तो आएगा ही, माइनिंग राहु से भी देखते हैं शनि से भी देखते हैं मंगल से भी देखते हैं, मशीन भी वहां जाएगी ब्लास्ट करेंगे वो मंगल में आएगा, जबरदस्ती बोल रहा हूँ उसको। दूसरा मंगल और कृषि का कारक है, छोटे बहन भाइयों का कारक है ठीक है, और मंगल लाल रंग का कारक है, हाँ मंगल लाल रंग का कारक है, चंद्रमा सफेद रंग का कारक है, और अगला है बुध, बुध किस चीज का कारक हो गया, सबसे ज्यादा बुध है बुद्धि का कारक विवेक, ये हर चीज के अंदर जो बुध है तर्क शक्ति है बोलना, आप उतना अच्छा भाषण दे सकते हो जितना आपका बुद्ध स्ट्रॉन्ग है, जो भाषणों में निपुण है नरेंद्र मोदी जी उनका बुद्ध उचका बैठा होगा, तो जितना भी हमारा वाणी नियंत्रण है या आईटी फील्ड्स है इंफॉर्मेशन है आपस में कनेक्टिविटी है एक दूसरे से जुड़ना है वो सब बुद्ध कहलाएगा ठीक।
अगला ग्रह कौन सा है? गुरु। गुरु किसी का कारक हो गया? ज्ञान का कारक है। ज्ञान का कारक है। और हमारे जितने भी बड़े बहन भाई हैं वो गुरु हैं, मान सम्मान है। आप जो है गुरु से क्या ले पाओगे? जितना भी विवेक होता है हमारा वो गुरु कहलाता है। धार्मिक जो भी चीजें आप सीखते हो ज्ञान से संबंधित वो गुरु ज्ञान। ठीक है, शुक्र कौन हो गया? अगला कौन सा ग्रह है? शुक्र। शुक्र कौन हो गया? पत्नी हो गया। ठीक है, भोग विलास हो गए, भोग विलास भोग विलास हो गए सारा। हाँ, सब इसके जितना भी इस भोग विलास से सारा लेके जो भी सजना सवरना सौंदर्य अपने आप को दिखाना वो सब शुक्र है। अब और कलयुग के अंदर शुक्र ही वैल्यूएबल है, बाकी सब बेकार है, बाकी किसी ग्रह की वैल्यू नहीं। अब जैसे एक एग्जांपल, एक समय पे आपने सुना होगा नोकिया 1100 मोबाइल आया था, तो आप वो नोकिया 1100 किस क्या कर रहा था? कम्युनिकेशन कर रहा था, तो बुद्ध का कारक था। हाँ, तो कम्युनिकेशन नहीं बनाया था, किससे कनेक्ट होना बुद्ध कह रहा था, पर वो इतना नहीं चला, मार्केट शायद मिलता नहीं। जैसे जैसे आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर भाई वीडियो भी आई, व्हाट्सएप भी आया, फेसबुक भी आया, मोबाइल के अंदर और फंक्शन भी आ गए, आप वीडियो कॉल भी देख सकते हो, आज मोबाइल मल्टी फंक्शन हो गया, उसके ऊपर शुक्र चढ़ गया, कुछ सब कुछ उसमें घुस गया। ठीक है, अब बुद्ध अब वो काम तो करता ही करता है भाई, वो तो कर ही रहा है, मैं बुद्ध तो हुई हूँ और प्लस शुक्र भी है। अगर अब इसी से सीख लो क्या मिल रहा है, यदि आपने लाइव करना है बहुत बड़ी चीजों को लीड करना है तो आपको अपनी स्किल के अंदर शुक्र को ऐड करना। अब डिजिटल इंडिया बन रहा है, शुक्र बन रहा है, मतलब आपको ये सब चीजें धीरे धीरे शुक्र की तरफ मूव करेंगी। जब आप अब यहाँ से क्या प्रेडिक्शन मिली, यदि किसी कोई व्यक्ति एक्सटेंड करना नहीं जानता हो शुक्र का जो होता है उंगली में, हम शुक्र की दशा से बता सकते हैं कि उसका क्या। अगर व्यक्ति बार बार अपने सही टॉप लेवल पे अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर लेके जा रहा है, इसका मतलब विजन और शुक्र ग्रहण का उसकी कमजोरी है, वो दूर भाग नहीं सोच पाता है, डिजिटलाइजेशन नहीं कर पा रहा, मॉडर्न युग के अनुसार डिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकती, यहाँ से वो मिल जाएगा। ये शुक्र है और भी बहुत सारा है शुक्र। शुक्र जितना भी हमारा सेक्सुअल लाइफ है वो भी शुक्र ही है। और क्या क्या है बताऊ? शुक्र गहने हैं, संगीत है, और जितना भी म्यूजिक्स है वो सब शुक्र है। ठीक है, आगे आप कौन सा आ रहा है? शनि। शनि सेवक का कारक है। ठीक है, नौकर चाकर जो भी है शनि है, मजदूर जो भी है, बीमारी दुर्घटनाएं और जितने भी मसाले होते हैं ठंडे, जो आप आर्द्रता बोल रहे थे उष्णता, हमारे गांव क्षेत्र जो होते हैं शनि के कारक होते हैं, जो बाल हो रहे हैं शनि के कारक है, शनि बोल रहा है। और धातु में शनि का लोहा, लोहा। ठीक, ये शनि का कारक होगा। अब आओ राहु केतु पर। राहु केतु क्या है? ये एक तरह के हैं, आपने केमिकल्स देखो, केमिकल शुक्र से भी आते हैं, पर जितने भी जो केमिकल ऐसे होते हैं भाई, एक टप्पा डाला सारा कुछ बदल दिया इसने, तो अभी सफेद कर काला कर दिया इसने। तो जो ऐसे केमिकल्स हैं जो मतलब इतने घातक है यार, एक बूंद से सब कुछ बदल दिया इसने, वो कारक है राहु। मतलब अगर एक मिनट के लिए भी राहु तुम्हारे कोठे में बैठ जाए तो जा रहे हो दिल्ली, पहुंच गए बम्बई, तो बम्बई जाकर चली गया तो दिल्ली था, बम्बई कहां जाकर वो नहीं होगा। राहु एजेंट होता है, एजेंट जो होते हैं किसी टाइप का एजेंट हो, केमिकल्स हो, और जितने भी आपके ड्रैगन्स हुए या इल्यूजन्स हुए, भ्रांतियां हुई, कालाबाजारी हुई, ठगाई हुई, ये सब शुक्र और राहु के प्रति। अब अगला है केतु। केतु किस चीज का कारक है? केतु भाई देखो, संन्यास जीवन में केतु कारक करता है, किसी को संन्यास दिलवाना हो केतु। वैसे कहा गया है यदि किसी कुंडली के अंदर तीसरा छठा आठवां भाव ज्यादा प्रबल हो तो आदमी सन्यासी हो जाता है। क्यों? दूसरा भाव फैमिली का है, उससे एक नेगेटिव हो गया। चौथा भाव घर का है, घर छोड़ दिया। सातवां भाव पत्नी और वैभव और उसको का है, वो छठा हो गया। नौवां भाव क्या है? आध्यात्म वैराग्य ज्ञान। छठा हो गया है तो वो क्या हो जाएगा? वैरागी हो जाएगा। नौवां दसवें से नौवां बारहवा हो गया ना, तो वैभव को काम धंधा नहीं करना, ये वैराग्य का नंबर है। तो इसी प्रकार केतु क्या करता है? केतु क्या है आपको बता दूं, वास्तव में ही आत्मबल है, शुद्धि है, आत्मज्ञान है, चिंतन है। और जितने भी खोपड़ी वाले व्यक्ति हुए हैं आध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, जो आध्यात्म में जाते हैं, केतु बहुत बड़ा कारक है आध्यात्म का, क्योंकि पूपल लग रहा है वो,
आध्यात्म चिंतन में केतु का बहुत बड़ा और किसी का केतु खराब होता केतु खराब होगा तो उसका पूजा पाठ में ये सब इन चीजों में वो कम कम मन लगेगा उसका। और तो ये इस तरह से आपके 9 प्लैनेट्स आपके जीवन में अलग अलग तरह से काम करेंगे और इनके करेक्टर्स हैं, आप इनको कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब आप देखो जहां आपको जब हम बताएंगे भी मान लो मैं आप सूर्य बोलूंगा तो आपके दिमाग में सारी बातें एक मिनट में आ जाएंगी। पिता का कारक है, सोने का कारक है, मान सम्मान का कारक है, सरकारी नौकरी का कारक है, सरकार का कारक है, सब कुछ ऊर्जा शक्ति सब एक मिनट में घूम जाएगा। ये आपको याद रखना ठीक। ये चैप्टर क्या हुआ, ये हुई ग्रह की विशेषता।